और देश के आदेश की लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आज 18वीं लोकसभा को लेकर अंतिम अध्याय में किसे कितनी वोटिंग मिलने वाली है। जनता का जनादेश आज आखिरी तौर पर इस अंतिम अध्याय में वोट की ताकत के साथ ईवीएम में कैद हो जाएगा। 57 सीटों पर जनता का फैसला आज जिस रूप में भी सामने आए, लेकिन आज एग्जिट पर सबकी निगाहें जरूर विवेक लगी होंगी। बिल्कुल, ये कहते हैं कि परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, भाई कुछ नहीं हो रहा था। जो आंकड़े थे, जब आप बूथ पर वोट डालकर बाहर निकल रहे थे तो सर्वे चल रहा था, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है। क्या है वो बड़ी खबर? बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मतदाताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। झारखंड के गोड्डा से जहां पर 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है, करीब 150 लोगों का नाम ही नहीं है और इसे लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। मतदाता सूची में नाम नहीं होने को लेकर मतदाता बेहद आक्रोशित हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि करीब 150 लोगों के नाम आखिर क्यों नहीं है, इसकी त्रुटि का खामियाजा आखिर आम जनता मतदाता क्यों उठाए, इसे लेकर नाराजगी खुलकर सामने आती हुई। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग इस पर संज्ञान जरूर लेगा, निर्वाचन आयोग इसे देख भी रहा है। करीब 150 लोगों का नाम क्यों नहीं है, कहां कमी रह गई, कहां गलती हुई है, हर उस पॉइंट पर, हर उस बिंदु पर विमर्श करने के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। तो इस वक्त करीब 150 लोगों का नाम नहीं है, यही एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, और कुरियाना के बूथ संख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर लोग जो है इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि भाई आखिर हमारा नाम मतदाता सूची में क्यों नहीं है। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियों की अगर हम बात करें तो उसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी वोटर का नाम सूची से वंचित न रह जाए। आखिर यहां पर यह गलती किसकी, खामी किसकी? चलिए, खबर तो आ रही है कि बख्तियारपुर में वोटर्स के बीच वोटिंग को लेकर उत्साह है। बूथ संख्या 216 और 217 पर ज्यादातर लोग पूरे परिवार के साथ वोट करने पहुंच रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। 216 नंबर और 217 नंबर बूथ है ये, दिव्यांग जो मतदाता है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और देखिये यहाँ किस प्रकार से पुलिस वाले जो है मददगार बने हुए हैं। जो भी वोटर्स जो चलने में असमर्थ है, जो बुजुर्ग है, दिव्यांग है, उनको देख सकते हैं किस प्रकार से मदद की जा रही है। और कितने लोग आए हैं आप लोग घर से? सभी लोग आए हैं। कौन कौन आए हैं जरा नाम बताइए? आशा देवी। हाँ, ये कौन है? रविता देवी पुतो। ये आपकी बहू है? हाँ। आप सास हुई? हाँ। अच्छा, और कौन आए हैं आपके साथ? थी। ये कौन हुए? सास साल थी। ये आपकी सास? हाँ। अच्छा, 3 लोग हैं। देखिए कहा थे, आप कौन हुए इनके? हुआ। ये कौन है? गोतनी। ये गोतनी है। हाँ। ये देखिए खूबसूरत तस्वीर है, सभी लोग काम छोड़कर, किचन का काम काज छोड़कर, खाना बनाना छोड़कर पहले वोटिंग करने के लिए पहुंची हैं। पहले मतदान फिर जलपान, ये संदेश दे रही है। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये घर की सबसे बड़ी मेंबर है, ये सास हुई, ये सास हुई, ये सास है, और इनकी बहू ये हुई, और इनकी बहू ये है, और इनकी गोतनी ये है, ये है ना, ये जेठानी है। अच्छा, तो ये देखिए एक पूरा परिवार जो है यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से सुखद तस्वीर है। जाहिर है न्यूज 18 भी अपील कर रहा है कि मौसम भी सही है, हालांकि उमस जरूर है, लेकिन मतदाताओं का जो उत्साह है वो गर्मी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर आप अब तक नहीं निकले हैं घरों से तो जरूर निकलिए और वोटिंग करिए। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 बख्तियारपुर।